कविता याद है हम लोग ऐसे एक शिमला में रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और वहां पे एक ऐसी पति पत्नी बैठे हुए थे। कैसे बातें कर रहे थे एक दूसरे से। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि हंसू या रहूं। मैं गिर गई थी चेयर से। क्या हुआ दीपक? पता नहीं यार, अचानक गले में दर्द सा उठ रहा है। क्या हो रहा है गले में? कैसा दर्द हो रहा है? दीपक, दीपक, क्या हुआ? कोई है? प्लीज हेल्प, मैनेजर, मैनेजर, प्लीज समबडी हेल्प, प्लीज हेल्प। दीपक क्या हो रहा है? दीपक क्या हुआ मैडम? यहाँ पर आसपास कोई डॉक्टर है? ये तो मुझे मालूम है। क्या इन्हें पहले से कोई बीमारी है? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर और मैडम सूप पीते हुए बातें कर रहे थे, तभी अचानक जब मैं उधर से आया तो देखा सर नीचे गिरे हुए और मैडम चिल्ला रही है। फिर मैंने एम्बुलेंस को फोन करके बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इनकी मौत हो गई थी। यहाँ बैठकर सूप पी रहे? जी। कुछ उल्टा सुलटा तो नहीं खिलाया? सर ऐसा क्यों करेंगे सर, ऐसा करने से तो हम खुद फंस जाएंगे और हमारे रेस्टोरेंट में कौन आएगा ऐसे? तो अभी पता चल जाएगा जब हमारे फोरेंसिक सर्जन आएंगे, समझे? पर आप तो खामखा हम पर शक कर रहे। खामखा शक नहीं कर रहा हूं, इस आदमी की मौत हुई है तुम्हारे होटल में खाना खाते हुए, समझे? मैं कह चुका हूँ ये खाना नहीं सूप पी रहे थे। हाँ सूप ही सही, मगर यहाँ तुम्हारे रेस्टोरेंट में ही खा रहे थे ना? क्यों? उन्होंने जो सूप पिया था वो इन्होंने भी पिया था सर, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। मैडम ने भी वही सूप पिया? जी। देखते हैं। देखिए संभालिए अपने आप को। क्या क्या हुआ था यहाँ पर बताइए जरा। हम लोग तो यहाँ पर सूप पीते पीते हंसी मजाक कर रहे थे और फिर सडनली दीपक के गले में खराश होने लगी। ने, क्या कहा? दीपक के गले में खराश हो रही थी? जी। और फिर उसके बाद दीपक का दम घुटने लगा, सांस रुकने लगी। गले में खराश हो गई और फिर दम घुटने लगा, फिर? और सडनली दीपक यहाँ पे गिर गए और उनकी मौत हो गई। क्या हुआ कविता जी? क्या हुआ कविता? कविता 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 क्या हुआ? क्या हो रहा है कविता? कविता कविता सर, इसकी धड़कनें तो बंद हो गई हैं। अरे ऐसे अचानक? अब अरे ये क्या? यार सालुंखे, एक के बदले दो दो मौतें हुई है यहाँ पर। दो? या पहले ये और फिर ये मैडम अभी कुछ ही सेकंड्स पहले मेरे साथ बातें कर रही थी, गिर गई। अच्छा सूप पी रहे थे यहाँ इस टेबल पर बैठ के। मैं चेक करता हूँ। हाँ देखो
तुम्हें लगता है सूप में कुछ था? बिल्कुल, सूप में जरूर कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि मरने से पहले इसके गले में खराश हो गई और फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही, फिर इसकी मौत हो गई। और ये मैडम मेरे सामने अपना पेट पकड़कर गिर गई, ऐसे पेट पकड़ रही थी जैसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। बस तुम्हारा शक सही है, शायद इनकी मौत जहर की वजह से ही हुई है। जहर? सुन लिया, जहर? हाँ जहर। सर हम अपने खाने में जहर क्यों मिलाएंगे? एक मिनट, सूप पी रहा था ना ये? जी। वो सूप फेंक तो नहीं दिया तुमने? नहीं, हमने हाथ भी नहीं लगाया, यहीं पर रखा हुआ। अच्छा किया, मैं चेक करता हूँ। सब गुजर आप पीछे हटिया। ये सुनता ना? ये देखो बॉस, सूप में 100% जहर है। क्यों सर, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, वो भी यही खाना खा रहे हैं, लेकिन इनमें से तो किसी को कुछ नहीं हुआ। बस बहुत हो गया, सारे के सारे ऑर्डर कैंसिल करो और टेबल पे जितना भी खाने पीने का सामान पड़ा है हटाओ यहाँ से, उससे पहले कि किसी और की मौत हो जाए। सचिन, रेस्टोरेंट का जितना भी स्टाफ है सबको एक जगह इकट्ठा करो और रेस्टोरेंट से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। तुम्हारा किचन का है? चलिए प्लीज, एक मिनट, सब काम छोड़ दीजिए, सब खाना छोड़ो और इस तरफ एक तरफ आ जाओ। आइए आइए आइए, चलिए जल्दी प्लीज, चलिए चलिए। सलूंखे लग जा काम। विवेक संभाल के ले आना स्पेशल क्लास। संभाल के संभाल के, आराम से संभाल के। बॉस इनमें तो किसी ने भी जहर नहीं। किसी ने भी नहीं? वो तो वही सूप है ना? हाँ। तो इसमें? इसमें भी जहर नहीं है, सूप तो वही है लेकिन जहर नहीं। इसमें भी जहर नहीं है ना? अच्छा, ये यहाँ पर सूप कौन बनाता है? सर मैं बनाता हूँ। तो यहाँ ही बताओ, ये सूप किसने बनाया था? सर मैंने बनाया था, ये 6-7 लोगों के लिए सूप एक साथ मैं बनाता हूँ सर। अच्छा, और सूप किचन से कस्टमर के टेबल तक कौन लेके जाता है? वेटर ही लेके जाता है ना? जी जी। कौन लेकर गया था ये सूप, मैनेजर साहब? सर मेरे ख्याल से हरपेश। हरपेश? आप में से हरपेश कौन है? मैं हूँ हरपेश। तुमने वो सूप लाया था? जी सर। और उसमें जहर भी मिलाया? नहीं सर। चुप, सच सच बताओ, सच सच बताओ, वरना सर सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जहर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया? ये सूप तो तुम ही लेके आए थे ना? सर ये काफी सालों से हमारे साथ काम कर रहा है, ये ऐसा नहीं कर सकता। चुप रहो। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। फिर कहाँ से आया था? मुझे कुछ नहीं मालूम सर। लेकिन अगर किचन से तुम सूप लेके आए तो बीच में किसी से मिले थे तुम, या किसी कारण से किसी और को सूप दिया तुमने? जब मैं सूप लेने किचन में गया तो वहाँ पर शेफ नहीं था, मैंने खुद ही बाउल में सूप डाल लिया। अच्छा ठीक है, अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो किचन से यहाँ तक आते समय तुम किसी से मिले थे या टकराए थे, याद करो। सर हाँ सर, सर रास्ते में एक आदमी से टकराया था मैं। टकराए थे? जी सर। फिर क्या हुआ? फिर उसके ऊपर सूप गिर गया था सर। हाँ तो? सर मैं पास के टेबल पर सूप रख के नैपकिन लेने के लिए अंदर भागा, पर जब तक वापस आया तब तक वो आदमी जा चुका था। जानते हो उस आदमी को? नहीं सर। चेहरा याद है तुम्हें? नहीं सर, ध्यान नहीं दिया।
सर, अगर वो आदमी यहाँ रेस्टोरेंट में आया था तो शायद उसने यहाँ पे खाना खाया होगा, और अगर उसने खाना खाया होगा तो उस खाने का बिल जरूर बना होगा। अच्छा, आपके पास खाने के बिल की दूसरी कॉपी तो होगी ना? जी सर। तो बिल की सारी कॉपीज हमें चाहिए, समझे? ओके सर। सचिन, दीपक की बॉडी पर से कुछ आइडेंटिफिकेशन मिला? क्यों, क्या करता है, कौन है? हाँ सर, ये दीपक का ड्राइविंग लाइसेंस है। काजल, दीपक और कविता के सेलफोन पर जो फोन आए थे और जो फोन उन्होंने किए, उन सब की लिस्ट बनाओ। इस दीपक के घर जाकर देखना चाहिए। जी कहिए। नौकर ने बताया कि आप लोग सीआईडी से? जी हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है सर? देखिए, हम दीपक और कविता के बारे में आपसे बात करने आए हैं। भैया भाभी? पर वो तो घर पे नहीं है। हमें पता है आपकी भैया भाभी घर पर नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं सर। आप हितेश? हितेश दीपक के भाई हो ना? जी, क्या बात है सर? देखो हितेश, तुम्हारी भैया भाभी की, मेरा मतलब है दीपक और कविता की, मौत हो गई है। क्या? भैया और भाभी? ये नहीं हो सकता सर। देखिए, संभालिए अपने आप को, संभालिए। ये सब कैसे हो गया सर? किसी ने उन दोनों को रेस्टोरेंट में जहर दे दिया। रेस्टोरेंट में? लेकिन उनको जहर कौन देगा सर? क्या एक बात बता सकते हो, तुम्हारे भैया भाभी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, भैया तो अपने काम काज में लगे रहते थे, और भाभी इतनी प्यारी थी, भाभी कोई उनका दुश्मन क्यों होगा? अच्छा, क्या उन दोनों को कोई परेशानी थी? ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन सर, कुछ दिन पहले ऑफिस के बाहर पार्किंग लॉट पे भैया फिसल कर गिर गए थे और उनके सर पे चोट आई थी। अरे हितेश, जब हमें तुम्हारे भैया की लाश मिली तो उसके सिर पर कोई भी चोट नहीं थी। जरा सी चोट थी सर, अब तक तो भर गई होती। हाँ, I'm sorry। देखो, अपना ख्याल रखना, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, मदद लगे, तो हमें फोन कर देना। जी सर। रेस्टोरेंट में सूप लेकर आने वाले वेटर से जो आदमी टकराया था, उसी ने उस सूप में जहर मिलाया है, क्योंकि ये सब करने के लिए सिर्फ उसी आदमी को मौका था। ओके, थैंक्स सर। हाँ सर जी। सर, जिन जिन लोगों ने रेस्टोरेंट में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी, उनमें दीपक की वाइफ कविता का नाम था सर। क्या, कविता का भी नाम है? अरे लेकिन कविता की मौत तो बिल पेमेंट करने से पहले ही हो गई थी, फिर कैसा बिल पे किया उसने और किसके लिए? सचिन, देखो जरा बिल में, देखो किस चीज के पैसे भरे थे कविता ने। सर, ये सैंडविच और जूस के। क्या, सैंडविच और जूस? लेकिन सर, दीपक और कविता ने सिर्फ सूप ही पिया था। अगर कविता को बिल देना ही था तो वो सूप का देती, किसी और का खाया हुआ सैंडविच और जूस का बिल वो क्यों देती सर? वही तो किसी और ने खाए हुए चीजों के पैसे कविता ने क्यों भरे? सर, हो सकता है वहां पे कोई और ऐसा आदमी था जिसे कविता जानती थी। बिल्कुल सर। हाँ, क्या पता चला? सर, मरने से थोड़ी देर पहले कविता को एक फोन आया था। फोन आया था? कहां से, किसका फोन था, कुछ पता लगाया तुमने? हाँ सर, जिस नंबर से फोन आया था वो फोन बंद है। जिस नंबर से कविता को फोन आया था वो फोन बंद है? बंद है। हमें फिर से उस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। एक बात बताओ, जब दीपक और कविता इस टेबल पर बैठी थी तो क्या बीच में उन दोनों में से कोई टेबल छोड़कर कहीं गया था? देखा आप लोगों ने कुछ? सर, हाँ? जब मैं सूप देने आया तब मैडम का फोन आया था उसी समय। कविता मैडम को फोन आया था? जी सर। फिर क्या हुआ? फिर सर, वो फोन पर बात करने के लिए उठकर थोड़ी आगे चली गई। फोन पर बात करने के लिए आगे चली गई? तो तुमने कुछ सुना? कुछ सुना फोन पर, क्या बातें हो रही थी? कानों पर कुछ पड़ा तुम्हारे? नहीं सर, पर ऐसा लगा जैसे वो किसी को ढूंढ रही है। ढूंढ रही है? जी सर। क्या ढूंढ रही है?
सचिन पता चल जाएगा किसको ढूंढ रही थी। लेकिन एक बात है, कविता जब फोन पर बात करते करते आगे निकल गई, तभी उसी दौरान कविता ने उस आदमी का भी बिल भर दिया, उस आदमी का जिसके साथ ये वेटर टकराया था। अब जल्दी से जल्दी पता लगाओ कविता को आखिरी फोन किसका आया था, किसका फोन है। हाँ सालुंखे, क्या सालुंखे, क्या नया चक्कर है? दीपक की खोपड़ी का एक्सरे देखने के लिए तूने मुझे बुलाया? दास, मैंने इसकी बॉडी का स्कैन किया। हाँ, मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने इसकी खोपड़ी का एक्सरे निकाला, देखो क्या मिला। माय गॉड सालुंखे, यार अब तक तो हम ये समझ रहे थे कि दीपक की मौत जहर से मरा है। हाँ, लेकिन ये देखो बॉस, खोपड़ी में तो गोली अटकी हुई है। हाँ, मगर सालुंखे रेस्टोरेंट में तो कोई गोली चला ही नहीं सकता इस पर, वहां पर इतने सारे लोग थे और फिर कितना सारा खून भी बह जाता। हाँ सर, अगर ऐसा हुआ होता तो वहां तो हंगामा हो जाता। एक बात और बॉस, ये गोली इसकी खोपड़ी में काफी समय से, काफी टाइम से इसकी खोपड़ी में अटक गई है गोली, और उसे निकालने की कोशिश भी नहीं की। पहली बार इस तरह का केस सुना मैंने कि आदमी की खोपड़ी में गोली है और वो गोली लिए इधर उधर घूम रहा है। वही तो, इसीलिए दीपक की मौत हो गई। अगर ये गोली निकलवा लेता तो शायद ये बच जाता। देखो बॉस, गोली इसकी खोपड़ी में काफी समय से थी और जैसे जैसे सर के जख्म भरते गए, गोली सर के अंदर और गहरे जाती गई। उस दिन जब ये उस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ सूप पी रहा था, इसकी खोपड़ी में फंसी हुई गोली एक नस पे जाकर के टकरा, नस फट गई और अचानक इसकी मौत हुई। संकेत, तुम्हारे कहने का मतलब है कि दीपक की मौत गोली लगने से हुई? हाँ, और फिर वो जहर? जहर था, दोनों सूप में जहर था, लेकिन बॉस जहर से सिर्फ कविता की मौत हुई है, दीपक की मौत इस गोली से हुई। सो हितेश ने हमें बताया था कि एक दिन अचानक दीपक अपने ऑफिस के बाहर फिसलकर गिर गया था। हो सकता है सर उसी समय किसी ने गोली मारी हो उसे। हाँ, हो सकता है। बेचारा कितना तड़पा होगा जब इसे गोली लगी, अच्छा होता कि ये जहर के असर से ही मर जाता। सर, हाँ। सर मैंने दो बार चेक किया, टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव है। कविता के सूप से मिला जहर और दीपक के सूप से मिला जहर, दोनों जहर अलग अलग है। अलग अलग है, दोनों जहर अलग अलग। दीपक और कविता को अलग अलग जहर दिया गया? ये तो कमाल है सर, जहर भरा सूप पिया दोनों ने, लेकिन जहर से मौत हुई सिर्फ कविता की और दीपक गोली लगने से मर गया। कोई तो है सर जो पति पत्नी दोनों को खत्म करना चाहता था। सर पता चल गया है, कविता को वो फोन अंधेरी ईस्ट की एक जगह से किया गया था। अंधेरी ईस्ट की एक जगह से आया? या काम करो विवेक, तुम और दया उस पते पर जाओ और देखो, तब तक हम इस गोली के बारे में पता लगाते हैं। तो लगता है ये ऑफिस दीपक का ही है सर, वॉचमैन से पूछ। इधर आइए भाई साहब। जी साहब। ये बताइए कि ये ऑफिस दीपक साहब का ही है ना? हाँ साहब, बहुत अच्छे आदमी थे साहब। कुछ दिन पहले उनके सर में चोट आई थी, उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम है क्या? हाँ साहब। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन साहब दीपक साहब वहाँ कार पार्किंग में अपनी गाड़ी लेने जा रहे थे कि अचानक फिसल कर गिर गए और उनके सर में चोट आई। वहाँ पर पार्किंग लॉट में जब वो अपनी गाड़ी लेने गए? अच्छा ये बताओ, जब ये सब हुआ तब उनके साथ कोई था? उस वक्त साहब वहाँ और कोई नहीं था। फिर क्या हुआ? तो दीपक साहब दर्द के मारे तड़प रहे थे, मैं भाग कर गया उनकी मदद के लिए, लेकिन तब तक वो गाड़ी में बैठ चुके थे और फिर निकल गए। उसी हालत में वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए? जी साहब। साहब मैडम आ गए। मैडम, ये लोग दीपक साहब के बारे में पूछताछ कर रही है। जी कहिए। देखिए हम लोग सीआईडी से, और आप? मैं स्वाति, दीपक सर की सेक्रेटरी। ओ, तो आप दीपक की सेक्रेटरी है? बड़ी जरा वॉचमैन को। देखिए स्वाति,
शायद आपको पता नहीं होगा, मगर दीपक और कविता दोनों का खून हुआ है। क्या? खून? जी हाँ, खून, खून हुआ है। खून? खून हुआ है? संभालो अपने आपको। स्वाति, दीपक और कविता के खून तक पहुंचने के लिए हमारी मदद करो। मुझे क्या पूछना है? स्वाति जी, ये बताइए, क्या बिजनेस को लेकर दीपक की किसी के साथ दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था, कुछ जानते हो तुम उसके बारे में? ये कोई बिजनेस की दुश्मनी नहीं थी। बिजनेस की दुश्मनी नहीं थी, तो फिर क्या था? मैं जानती हूँ ये किसने किया है। मैं जानती हूँ उस आदमी को। कौन? कौन है वो? किसने किया है? वो कविता मैडम का भाई मानिक है, ये उसी का काम हो सकता है। कविता का भाई मानिक? इस मानिक ने ये खून करवाया है? हाँ, मानिक ने दीपक सर से बहुत सारे पैसे मांगे थे, पर दीपक सर ने साफ इनकार कर दिया। इस बात को लेकर उनके बहुत झगड़ा भी हुआ, यहाँ तक कि मानिक ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। तो घूम फिर के ये सारा मामला पैसों का ही है। सर, कविता के भाई मानिक की दीपक के साथ लड़ाई हुई थी, तो फिर दीपक के भाई हितेश ने हमें एक बार भी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? ये तो हितेश ही बता सकता है। स्वाति को छोड़ कर आओ। यस सर। आइए। सचिन, ये दीपक पार्किंग लॉट में फिसल कर गिरा था ना, पार्किंग लॉट चलकर देखते हैं। सचिन, इस पार्किंग लॉट को अच्छी तरह से देखो, एक एक कोना छान मारो, एक एक इंच को सूंघो, हैं? अच्छी तरह से देखो। जाओ, फैल जाओ। सूखा हुआ। सचिन, यस सर, जल्दी आओ। ये देखो, ये खून देखो सचिन। सर, ये तो सूखा हुआ है। सूखा हुआ खून, तो इसका मतलब है कि दीपक को वाकई गोली यहीं मारी गई है। पर कहां से? काम करो, ढूंढो ढूंढो, अच्छी तरह से ढूंढो, एक एक इंच को सूंघो फिर से, कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा अगर दीपक को गोली यहां पर मारी है। ढूंढो अच्छी तरह से। सर। हाँ फ्रेडी। यहां ही है सर। क्या? ये देखिए सर, ये निशान देखिए। क्या क्या हो सकता है? एक मिनट, अगर अगर ये खून दीपक का है तो फिर वो निशान, ये निशान भी दीपक के लिए ही बनवाया गया, दीपक के लिए ही। तो मतलब सर? काजल, इसका मतलब एक ही हो सकता है कि खूनी जानता था कि दीपक यहीं पर खड़ा होगा, यहीं पर। पर कहां से चलाई होगी गोली उसने अगर दीपक वहां पर खड़ा था? क्या है? बिल्कुल वैसा ही निशान जैसे वहां पर है। इसका क्या मतलब हो सकता है? सचिन, ये देखो, ये वैसा ही निशान जैसा उस पिलर पे है।
ये निशान खूनी का है। रेडी? हाँ सर। जरा पीछे होके खड़े हो जाओ। ये सर। बिल्कुल। ऐसे समझो कि तुम अपनी गाड़ी के पास में खड़े हो। ऐसा खड़ा रहूं? हाँ, दरवाजे के पास। ओके सर। खूनी ने गोली यहां से चलाई है। इसका मतलब एक ही है कि दीपक की गाड़ी यहां इस पार्किंग लॉट में खड़ी होती थी हर रोज, और यहां पर खड़ा होता था वो गाड़ी के अंदर बैठने के लिए और गाड़ी से बाहर आने के लिए। और ये बात खूनी जानता था। हाँ अभी सर, इस तरफ। ठीक है, मिल गया, पहुंचिए। थैंक्स। सब हो रहा सर, पहले माले पे तीसरा दरवाजा। कविता को जिस नंबर से फोन आया था रेस्टोरेंट में, वही है सर। फोन पे बात करने के बाद फौरन कविता की मौत हो गई थी। हो सकता है शायद वो फोन किसी जरूरी काम से किया गया होगा। सुधारी वो घर है। खाली लगा है। तो देखो अंदर। यस सर। सर आवे। ये देखिए सर, दीपक की फोटो छुपा के रखी थी। दीपक की फोटो यहाँ पे? पीछे दीपक का एड्रेस भी लिखा हुआ है। सर खून दीपक और कविता दोनों का हुआ है, लेकिन सिर्फ दीपक की फोटो यहाँ पे छुपा के क्यों रखी है? तो समझ में नहीं आ रहा। कविता ने मरने से पहले जिस आदमी से फोन पे बात की थी, उस आदमी के घर पे इस दीपक का फोटो छुपा के रखा हुआ है। जरा ढूंढो कुछ आदमी पाए। ये देखो, ये बोर्ड पे खाना डिलाइट लिखा हुआ है। खाना डिलाइट तो उसी रेस्टोरेंट का नाम है जहां पे दीपक और कविता खाना खा रहे थे। मतलब साफ है, मरने से पहले कविता ने इस आदमी को वहां उस रेस्टोरेंट में आने के लिए कहा होगा। हाँ सर, मगर क्यों? हाँ साहब, कविता जी ने मुझे दिए थे 1,00,000 रुपए दीपक को मारने के लिए। अच्छा, तो तुमने दीपक को उसके ऑफिस के बाहर गोली मारी है? हाँ साहब। मगर दीपक मरा नहीं। गोली से नहीं मरा तो तुमने उसके सूप में जहर डाल दिया। हाँ। और कविता, उसने तो तुम्हें पैसे दिए थे ना, उसे क्यों मारा तुमने? क्या कविता जी मर गई? हाँ कविता जी मर गई, उनके सूप में भी जहर डाला था तुमने। लेकिन साहब मैंने तो एक ही बॉल में जहर डाला था। बड़ा भोला है बेचारा सर, सामने दो दो बॉल पड़े थे मगर इसने एक ही बॉल में जहर मिलाया। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम था कि दीपक उसी बॉल में सूप पीने वाला था? हाँ, कविता भी तो थी वहां पे।
साहब साहब मैंने उसी वक्त कविता जी को फोन किया था ये बताने के लिए कि मैंने किस वाले बॉल में जहर डाला है। प्रणी ले जाओ सर। नहीं नहीं साहब 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 मैंने कविता जी को नहीं मारा है साहब। साहब मेरी बात करो साहब। साहब मेरा विश्वास करो साहब। ये तो कह रहा था कि इसने एक ही बॉल में जहर मिलाया तो फिर कविता को जहर किसने दिया? वही तो, कविता को जहर किसने दिया? दोनों बॉल में जहर था मगर अलग अलग जहर। और कविता दीपक को मारना चाहती थी तो फिर कविता को कौन मारना चाहता था? आपने मुझे बुलाया सर? आओ आओ। क्या बात है सर? क्या बात है? तुमने हमें कविता के भाई मानिक के बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया हमसे? मानिक? ओ मानिक सर, मेरे वो ध्यान में नहीं रहा, कुछ हो गया है क्या सर? जब हम दीपक के ऑफिस में पूछताछ करने गए थे तब स्वाति ने हमें बताया कि मानिक और दीपक दोनों के बीच में पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। स्वाति ने आपसे बताया सर? हाँ स्वाति ने बताया। किस लिए पैसे चाहिए थे मानिक को? सर भिखारी था सर, वो कमाई वमाई तो कुछ थी नहीं उसकी, लेकिन जब से कविता भाभी हमारे घर पर आए थे उसे लगा उसकी लॉटरी निकल गई। लेकिन जब कविता भाभी ने पैसे देने से मना कर दिया तो वो दीपक भैया से पैसे मांगने लगा, और जब दीपक भैया ने भी मना कर दिया तो वो भिखारी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। मानिक, मानिक से मिलना पड़ेगा। हितेश ने जो फोन नंबर दिया था उस नंबर से इस घर का पता ढूंढ के निकाला है। सर मानिक दरवाजा नहीं खोल रहा है, शायद वो घर के अंदर नहीं होगा। पर ये भी तो हो सकता है कि हमारे डर से अंदर चुपके बैठा हो। देखते हैं। मानिक, मानिक बाहर निकलो, यहां से भागने को कोई रास्ता नहीं है। मानिक बाहर निकलो, मुझे मालूम है तुम कहां, बाहर निकलो मानिक। सर शरीर पे कोई घाव भी नहीं है। तो फिर मैं कैसे? कुछ तो हुआ जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। विवेक घर को अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। लिपस्टिक का निशान, मतलब हमारे यहां आने से पहले मानिक से कोई लड़की मिलने आई थी। सर
विल के पेपर्स? दीपक के विल के पेपर्स? मानिक के घर में क्या कर रहा है? अब ये क्या नया चक्कर है? विवेक, लाश के साथ साथ इन ग्लासेस को भी फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो। कविता और दीपक की मौत अलग अलग जहर से हुई है। हाँ, वो तो मालूम है इन्हें। मगर मानिक की मौत जिस जहर से हुई है वो जहर, और जो जहर कविता को दिया गया है, दोनों मिलते हैं। अच्छा, बहुत सुना। क्या कहा सालुंखे? मानिक की और कविता की मौत एक ही किस्म के जहर से हुई है। क्या? हाँ। कविता और मानिक दोनों को एक ही किस्म का जहर दिया गया? Exactly. तो कहीं दोनों का खून एक ही आदमी ने तो नहीं किया? नहीं। और सर, दोनों को दिया गया जहर एक बहुत ही खास किस्म का जहर है। खास किस्म का जहर मतलब क्या? ये जहर आसानी से नहीं मिलता क्या? हाँ सर, ये जहर बहुत ही खास किस्म के सांप के जहर जैसा है, जो काफी कम जगहों पर पाया जाता है। सांप का जहर? जी। और सर, वो होठों के निशान का क्या हुआ, उससे कुछ मिला? हाँ काजल, वो चेक कर रहे हैं। ये होठों के निशान किसके डॉक्टर साहब, पता चला? यार फ्रेडी, बता ना, चेक कर रहे हैं अभी भाई। Damn it. मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्या हुआ सर, पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या? सचिन, हितेश और स्वाति को ब्यूरो बुलाओ। ये है दीपक का वसीयतनामा, ये पेपर्स जो हमें माणिक के घर से मिले। अब तुम लोगों को तो पता ही होगा कि दीपक ने अपनी सारी जायदाद किसके नाम पर की होगी। जी, दीपक भैया ने तो सारी जायदाद कविता भाभी के नाम की थी। अच्छा, आपको पूरा यकीन है कि कविता के नाम पे ही की थी जायदाद? जी सर। वसीयत के हिसाब से उन्होंने अपनी सारी जायदाद, सारा पैसा अपने सेक्रेटरी यानी स्वाति के नाम पे। What? सारा पैसा मेरे नाम? जी। सारा पैसा? ये कैसे हो सकता है सर? ये नहीं हो सकता सर, मैं बस वहाँ काम करती थी, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। तुम्ही ने भैया को बहला फुसला कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी है। हितेश, मुझे जो सही, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सच है, और तुम्हारी वजह से भैया और भाभी के बीच में लड़ाइयां हुआ करती थी, क्योंकि भाभी को लगता था कि तुम्हारे और भैया के बीच में अफेयर चल रहा है। ये झूठ है सर, ये सरासर झूठ है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो जल्दी पता चल जाएगा। स्वाति जी, माणिक के घर में से हमें एक ग्लास मिला है, उस पर किसी के होठों के निशान भी है, लिपस्टिक के निशान, इसलिए हमें तुम्हारे होठों के निशान चाहिए। चलो चलो, लगाओ अपने होठ इस ग्लास के ऊपर। होठ? हाँ होठ, कम ऑन, चलो। अभी पता चल जाएगा कि वो पहले वाले होठों के निशान और ये निशान एक है कि नहीं। ये देखो बस, ये पहले वाले होठों के निशान है, ये नहीं। बस इस ग्लास पर तो स्वाति के होठों के निशान नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है, अब यकीन हो गया आपको? मतलब स्वाति ने माणिक का खून नहीं किया? नहीं, लगता तो यही है। सर, इसका मतलब यह है कि इस प्लान में कोई और औरत शामिल है। सॉरी स्वाति जी, हमने आपको तकलीफ दी, अगर जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, आप जा सकती हैं। थैंक यू। अगर स्वाति ने खून नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? ये जो कोई भी है तो एक औरत ही। काजल, आदमी थोड़ी ना लिपस्टिक लगाएगा। सर, ये केस जहां से शुरू हुआ था घूम फिर के वहीं पे आ गया। ना नहीं सचिन, ऐसी बात नहीं, ग्लास पर जो होठों के निशान है उन्हें अभी मैंने छोड़ा नहीं है, काम अभी चालू है बॉस, थोड़ी देर में ट्रस्ट में। हाँ, डीएनए रिपोर्ट। हाँ जी, व्हाट? ओह रियली? ओके ओके, एनीवेज थैंक यू वेरी मच, या बाय बॉस, डीएनए रिपोर्ट।
माणिक के घर से ये जो ग्लास आपको मिला है, इस पर जो ये फोटो के निशान हैं, ये हमारे डीएनए रिकॉर्ड में नहीं है। पर दूसरी चौंकाने वाली बात ये है कि ये होठों के निशान एक औरत के नहीं है बल्कि एक आदमी के। देखा फ्रेडी सर, लिपस्टिक एक आदमी ने ही लगाई हुई थी। किसी आदमी ने लिपस्टिक लगाई थी और उसके होठों के निशान इस ग्लास पर आ गए। क्यों? क्या वो आदमी स्वाति को फंसाना चाहता था या फिर हमें गुमराह करना चाहता था? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? घर पर नहीं है क्या? स्वाति, स्वाति कहाँ, अचानक कहाँ गायब हो गई है? सर, शायद खूनी यहाँ पे आया होगा। रेडी, अगर खूनी यहाँ पर आया होगा तो जरूर कोई ना कोई सबूत छोड़ कर गया होगा। तुम्हें ढूंढो, इस घर का एक एक कोना ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, आप रेडी? क्या हुआ फ्रेडी? सर, जहर की बोतल मिली है, बेड के पास पड़ी हुई थी। जहर की बोतल बेड के पास? ये जहर की बोतल स्वाति के घर में कैसे? स्वाति के घर में कैसे? तो ये वो जहर तो नहीं जिससे कविता और दीपक का खून हो गया? सर, मतलब स्वाति कविता और दीपक के खून में मिली हुई है? बिल्कुल काजल, ये जरूर मिली हुई है। और उसे पता था कि हम उस पर शक कर रहे हैं, इसीलिए वो यहां से भाग गई है। लेकिन कहां गई होगी? उस ग्लास पर जो लिपस्टिक के निशान मिले वो किसी आदमी के थे ना? ये जरूर स्वाति उस लिपस्टिक वाले आदमी के पास ही गई होगी। लिपस्टिक वाले आदमी के पास। लेट्स गो। कंग्रेचुलेशंस, हमारा प्लान कामयाब हो गया। सीआईडी को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं हुआ और तुम भी उनके हाथों से साफ बच निकले। हमने तो सीआईडी को ही उल्लू बना दिया। सीआईडी का नाम सुनकर बड़े बड़े गुनहगारों के हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। और तुम हमें उल्लू बनाने चली थी। सीआईडी? तुम्हारा बाप सीआईडी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तुमने? बहुत जाती है। हाँ, चल चल यहाँ। कुछ नहीं किया तुम? हितेश के साथ मिलकर ये खून नहीं किया तुमने? बड़ा अच्छा प्लान बनाया था तुम दोनों ने। कौन से प्लान की बात कर रहे हैं आप? कौन से प्लान की बात कर रहे हैं आप? चल, तुम दीपक के सौतेले भाई हो ना? हाँ या ना? हाँ सर। दीपक के प्रॉपर्टी पर तुम्हारी नजर गड़ी थी और एक दिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि कविता अपने पति दीपक का खून करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करने वाली है, तो तुमने इस बात का फायदा उठाना सोचा और अपनी दोस्त
अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति के जरिए दीपक के कान भरना शुरू कर दिया। स्वाति की बातों में आकर दीपक एक दिन तैयार हो गया अपनी पत्नी कविता का खून करने के लिए। तो तुमने सोचा कि अगर कविता मर गई तो फिर दीपक को तुम खलास कर दोगे और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा लोगे, है ना? हाँ सर। हाँ, और तुम्हारी बातों में आकर दीपक ने रेस्टोरेंट में कविता के सूप में जहर मिला दिया। कविता को तो सजा मिलनी ही थी, सारा पैसा लूटना चाहती थी वो। अच्छा वो मर गई। अच्छा, एक परिवार में खुशी के रहने से बजाय तुम्हारे स्वार्थ और पैसों की लालच की वजह से उस परिवार के तीन तीन लोग मर गए। तुम्हें तो फांसी ही होनी चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।